नमस्कार दोस्तों, मिनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ एंजॉय करने बेटी के साथ घूमने। उसकी छुट्टी है, उसने कहा मम्मी चलो आपको मैं बाहर घुमा के लाती हूँ। तो आज हमने प्लान किया बाहर घूमने के लिए, और हस्बैंड जी और बेटा दोनों घर पे हैं। बाप बेटे वो घर पे एंजॉय कर रहे हैं और हम बाहर, क्योंकि मैं हर दिन घर में रहती हूँ। मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी आप तो सारा दिन घर में रहते हो पूरे वीक, और अपने लिए जाते नहीं हो, समय नहीं निकालते। तो चलो आज मैं आपको फिर से घुमा के लाती हूँ। तो हम चले हैं घूमने के लिए। आज करेंगे हम मेट्रो की यात्रा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों हम चले हैं मेट्रो की तरफ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं भी घूमने जाती थी मेट्रो में बच्चों के साथ। बच्चों को लेके मुझे इतना अच्छा लगता था, इतनी खुशी होती थी। और उस टाइम मेरे छोटे बच्चे थे तो वो चल नहीं पाते थे, मेट्रो में हाथ पकड़ पकड़ के चलाते थे। जब मेट्रो नई नई शुरू हुई थी तो मेरी भी कम एज थी और बच्चे बहुत छोटे थे। और देखो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बचपन जी रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी। मेरी बेटी ने मुझे वो बचपन याद दिलाया जैसे मैं बचपन में खेलती कूदती थी। इस एज में भी मुझे बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ को। तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। हमें घर से निकलना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए। मैं मेट्रो स्टेशन पे गई, मुझे इतना अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। तो मैं ऐसे मेट्रो के अंदर घुस के इतना अच्छा लगा, बैठी सीट पे, वहाँ भीड़ देखी, सब कुछ देखा, मुझे बहुत आनंद आया। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि वाह जन्नत में आ गई। फिर हम चले। दोस्तों हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, मेरी बेटी की कॉलेज फ्रेंड है, वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसका वेट कर रहे हैं। वो काफ़ी दिनों के बाद मेरी बेटी से मिलने आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, मेट्रो से उतर चुके हैं, अब वो भी आ रही है मेट्रो से, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। बाहर आ गए हैं थोड़ा, तो देखते हैं उससे मिलते हैं। उसे बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी कि आंटी आप भी आ जाओ। ये दोनों ही जा रहे थे पहले, फिर उसने भी बोला आंटी आप भी आ जाओ, सब मिलकर इंजॉय करेंगे। और मेरी बेटी और हम दोनों आ गए। मेरी बेटी ने बहुत जिद करी तो मैं आ गई। लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहिए, कभी कभी बच्चों को, पेरेंट्स को भी समय देना चाहिए। हमेशा मम्मियाँ खाना ही बनाती रहती है, उनकी देखभाल करती थी। कभी मम्मी पापा को घुमाने ले जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ माँ को घूमना उसे भी अच्छा लगता है, पुराने दिन याद आ जाते हैं अपने स्कूल कॉलेज के टाइम के, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुश होती है। अगर माँ को छोटी छोटी खुशियाँ भी दोगे तभी वो बहुत खुश होगी। बहुत कुछ देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्यार दो, उनके साथ एंजॉय करो, समय दो, नहीं समय चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए पेरेंट्स को। तो मैं आप सभी को यही कहूंगी कि आप भी अपने पेरेंट्स को समय दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके छोटी छोटी खुशियां दो जिनसे वो खुश हो। दोस्तों अब हम मॉल की तरफ जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपनी बेटी के साथ बड़े मॉल में आई हूँ, ऐसे पिक मॉल में आई हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इतना प्यारा लग रहा है जाने में। देखो मैं मॉल के अंदर आ चुकी हूँ और इसकी फ्रेंड आने वाली, उसका भी इंतजार है। और सब चीज देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। कॉस्मेटिक देख के मुझे इतनी खुशी मिल रही है, मेरे सब मेकअप मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई सारी चीज है यहाँ पे, हर चीज देखो और लगाओ। लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ देखने भर से ही मैं बहुत खुश हो रही हूँ। और भावना की फ्रेंड भी आ गई है, मैं उसे ढूंढती रही, वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गई थी और हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, फिर वो फाइनली हमें मिली और बहुत सारा हक किया, प्यार किया हमको। काफी दिन के बाद मिले थे, बहुत ही खुशी हुई। फिर हमने एंजॉय करना शुरू किया, मैंने देखा तरह तरह की शोरूम लगे थे गाड़ियों के, ड्रेसेस के, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े, सब चीजें थी। ऐसा लग रहा था सारी चीजें यही हैं। और फिर मैंने एक वीवो का लॉन्च हो रहा था प्रो 40, तो मैंने उसको भी देखा, उसमें मैंने फोटो खिंचवाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यदि कोई इंटरेस्टेड है तो जरूर खरीदे। इसके अंदर एक ऐसा ऐप भी आया है जिससे वीडियो एडिट हो जाती है अपने आप ही। उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ ऐप है इसके अंदर जो फटाफट अपने आप ही अपलोड कर देती है, वीडियो को एड कर देती है, एडिट कर देती है। और इसमें पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी वीवो की, वो भी मैंने देखा। और उसके बाद मैंने बोला, ये बोलने लगे कि मम्मी क्या खाओगे, मैंने बोला आज मैंने फास्ट फूड नहीं खाना, मैंने आज शुद्ध खाना खाना ढाबे का। तो हम ढाबा के अंदर गए, एक रेस्टोरेंट था बहुत ही अच्छा, उसके अंदर पूरी थिंग गांव वाली थी, जैसे देसी होती है, पूरा कल्चर वैसे बना रखा था। फिर हमने शुद्ध खाना खाया, जैसे सिंपल खाना होता है, तंदूरी रोटी, मखनी दाल एंड टिफिन पनीर। दोस्तों बहुत ही टेस्टी था वो, मेरी बेटी की फ्रेंड गायत्री को भी बहुत पसंद था, उसने कहा आंटी वो
टेस्ट करो, बहुत बढ़िया है। तो हमने खाने का भी विशेष तौर से ध्यान रखा, फास्ट फूड ना खाकर सिंपल खाना खाया इस बार, क्योंकि ज्यादातर मेरी बेटी फास्ट फूड ही खिलाती है। और वहाँ म्यूजिक था, बच्चे डांस कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एंटरटेनमेंट कर रहे थे, लोग आ रहे जा रहे थे, किसी का बर्थडे हो कुछ हो तो वो डांस करके दिखाते हैं। फिर हम लोगों ने इतना मजा किया, बहुत मजे किए। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या करें क्या खाएं, तो मेरी बेटी ने कहा चलो मम्मी ऑफिस में लिखा है फिर मिलेंगे। लो जी अब आ गया खाना, ये है टिफिन पनीर नाल तंदूरी रोटी ते वो दाल मखनी, मक्खन वाली वही मलाई वाली। उसको देख के इतना आनंद आ गया, इतना मुंह में पानी आ गया, दाल को देख के माँ की याद आ गई, एकदम शुद्ध देसी खाना जैसे माँ बनाती थी वैसे ही टाइप का खाना, बहुत ही अच्छा लगा खाने में। भावना करी मम्मी रज के खाओ, अच्छे से खाओ, मैं करी बेटा मैं ज्यादा ऑयली नहीं खाती, फिर मैंने खाया अच्छे से, मुझे इतना आनंद आया। और गायत्री भी करी आंटी मुझे बहुत पसंद है मखनी दाल, मैंने कहा अच्छा बेटा। तो हम सब फिर हमने जो इंजॉय किया वो आपको बता के मेरे को बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय गुरु जी, जय श्री राम, जय बजरंग। थैंक यू। आज बहुत थकान हो गई, अब घर चलते रेस्ट करेंगे। मेरी बेटी ने बहुत इंजॉय कराया, मुझे बहुत खुशी मिली। थैंक यू। आई होप आपको भी अच्छी लगेगी मेरी वीडियो। जरूर वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।